आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी सेक्शन ए के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फीटर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेशन कंट्रोलर और बहुत सारे पोस्ट के लिए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। उसके बाद है एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। ऑप्शन डी में क्या है? लेड एस्टीनर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रक्त परिवर्तन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WC रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। उसके बाद क्या है? रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो ये मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद क्या है? हरविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने अनुवांशिकी कोड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैलीलियो ने गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था। उसके बाद है कॉपरनिकस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, इन्होंने ये बताया था। और ये जो हेनरी बेकुलर है, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गति के नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन ने दिया था। और गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। रदरफोर्ड इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नाभिक का आविष्कार किया था। उसके बाद क्या है? उसके बाद चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैलीलियो ने किया था। उसके बाद न्यूटन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गति का नियम दिया था। उसके बाद क्या था? चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया था? तो जो डार्विन थे, इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, यानी कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलासने ने की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुएन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड़गांव में है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
कीटों में कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटेमोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित जो रहता है इंटेमोलॉजी कहलाता है। और आर्निथोलॉजी जो होता है वो क्या है? तो यह पक्षी विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिप्पोक्रेटस को क्या कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। ये जो अरस्तु है इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है 15, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मधुमक्खी पालन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एपिकल्चर से मधुमक्खी पालन संबंधित है। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है? यह है रेशम उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर ये किससे संबंधित है? तो ये फलों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्मोलॉजी का जो है वो क्या कहलाता है? वो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस को क्या कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये जो थियोफ्रेस्टस हैं ये क्या है? तो इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य का जो है वो क्या है? वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 22, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। और न्यूट्रॉन का किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और क्या है? और है न्यूटन। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने गति का नियम दिया था। और गैलीलियो, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल, टोरिसेली। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। आगे है माइकल फैराडे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डायनेमो को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडरसन ने क्या किया था? पॉजिट्रॉन की खोज की थी। और क्या है? और है रोएंटजन, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि टेलीफोन का आविष्कारक
किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। और मार्कोनी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेडियो को खोजा था, यानी कि रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपरनिकस ने जो सोलर सिस्टम है उसका खोज किया था। और केपलर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्रहों के गति का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव होता है। उसके बाद क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश, मतलब ये आवेशहीन होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत को दिया था। उसके बाद क्या है, रोएंटजन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। मैडम क्यूरी, इन्होंने क्या की थी, तो ये रेडियम का आविष्कार की थी। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं उल्टा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो अगर आपके आंखों से जो भी वस्तु दिख रहा है केवल आप उसे बोले वाओ, यानी कि वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता मापा जाता है। उसके बाद क्या है, मैनोमीटर, इससे क्या किया जाता है, इसे गैसों के दाब की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्पिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है, रक्त का दाब मापा जाता है। और पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उच्च ताप मापा जाता है। उसके बाद क्या है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्म लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, यानी कि पानी के अंदर जो भी ध्वनि सुना जाता है वो किस यंत्र से सुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोफोन के द्वारा सुना जाता है। और क्या है, ऑडियोमीटर, इसे क्या किया जाता है, तो इसे पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैटरी जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन, बैटरी बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा क्या होती, प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40,
शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा निहित होती है किसमें, शुष्क सेल में, यानी कि बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का खोज किया था। उसके बाद है लुईस पाश्चर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हाइड्रोफोबिया का इलाज ढूंढा था। उसके बाद क्या है पिनमैन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा को ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम हार्वे ने। रोनाल्ड रॉस, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने मलेरिया के कीटाणु का खोज किया था। उसके बाद क्या है रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टीबी के कीटाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, रडार का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो डिक्टेशन एवं रेंजिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोनाल्ड रॉस ने की थी। और ये जो विस्की है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने वायरस का यानी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। और रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हैजा का टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, यानी कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुएन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। और रेटिनॉल, ये किसका रासायनिक नाम है, तो ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कर्बिक एसिड, ये किसका है, तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल, ये किसका है, तो ये है विटामिन ई का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेटिनॉल है। और ये थायमिन किसका, विटामिन B1 या फिर विटामिन बी का है। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का हो गया। टेकोफेरॉल ये किसका है, ये है विटामिन ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थायमिन। और ये जो रेटिनॉल है, ये किसका है, तो ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कर्बिक एसिड ये किसका है, तो ये है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल ये किसका है, तो ये है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेटिनॉल।
थायमिन ये किसका विटामिन बी का है, एस्कर्बिक एसिड ये किसका विटामिन सी का है, टेकोफेरॉल ये किसका है, तो ये है विटामिन ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं खाने वाला भी सोडा भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र तो NaHCO3 होता है। और ये जो है सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका होता है Na2CO3 10H2O इसका होता है। और इसका इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CaO। जो CaO क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। और ये जो CaCO3 ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। D2O ये क्या है, ये है भारी जल का सूत्र है, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोएसिटोफिनोन जो है वो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्म इसका होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, तो बेरीबेरी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो ये होता है रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य का प्रकाश में, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी का मात्रा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोटिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है बायोटिन होता है। और ये जो पाइरिडॉक्सिन जो है, ये किस चीज़ का रासायनिक नाम होता है, तो B6 का होता है। और ये स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फिलोगिनोन ये किसका है, तो ये है विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं इसे। और ये जो CaCO3 ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि S8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, C2H5OH का सूत्र है, इनमें से कौन सा है C2H5OH का सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इथाइल एल्कोहल जो है इसका सूत्र है। और ये जो सिरका है, इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो ये बताना है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारा। पारा को क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। और इसका संकेत क्या होता है, यानी कि रासायनिक इसका प्रतीक क्या होता है, तो ये होता है HG होता है पारा का। ये चांदी, चांदी का क्या होता है प्रतीक, रासायनिक प्रतीक, तो AG होता है। स्वर्ण यानी कि सोना, सोना क्या होता है AU होता है। तांबा, तांबा का क्या होता है, तो तांबा का होता है ZN।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। और यूरेनियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो इसका होता है यू। चांदी, चांदी का क्या होता है, एजी होता है। तांबा, तांबा क्या होता है, जेडएन होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, एएल होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब इनमें से पाया जाता है, मतलब कि आपको बताना है कि पीतल में भी वो पाया जाता है, तांबा में भी पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में भी पाया जाता है, इनमें से कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा। पीतल में तांबा भी पाया जाता है, तांबा में तांबा भी पाया जाता है, और जर्मन सिल्वर में भी तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरा जो होता है वो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोरतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरा जो होता है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 होता है सोडियम का, और 10 किसका होता है, ये होता है नियॉन का होता है। 21 किसका होता है, ये होता है स्कैंडियम का होता है, और ये 6 है ये किसका होता है, ये होता है कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, अमलगम में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एचजी, मतलब कि पारा। अमलगम में क्या रहता है, पारा रहता है। एमजी किसका है, संकेत है, तो ये है मैग्नीशियम का। एनए क्या है, सोडियम है। सीयू क्या है, कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, अधिकतम तानने वाला धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोना जो है वो अधिकतम तानने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, हम एक मिनट में बार सांसें लेते हैं, मतलब कितनी बार सांसें लेते हैं हम एक मिनट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 से 18 बार हम एक मिनट में सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्थाल्मिक संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आँख से संबंधित है ऑप्थाल्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.4। ये पीएच स्केल पर 7 से जो भी कम होता है वो होता है अम्लीय, और 7 से जो ज़्यादा होता है, अधिक होता है, वो हो जाता है क्षारीय। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, मानव के हृदय में सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 बार ये धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी जो होता है वो सर्वग्राहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, जो जो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो किसको खून दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल ए बी को दे सकता है, क्योंकि ये जो है सर्वग्राही है, मतलब सभी से ले सकता है, बट ये किसको दे सकता है? केवल ए बी ग्रुप वाले को ही दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? तो कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रण होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी कि दोनों, जो दोनों है वो क्या है? बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सूर्य के सबसे निकट का तारा, सूर्य के सबसे निकट का तारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, या फिर निकट का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और नाइट्रोजन का कितना होता है? तो जो नाइट्रोजन है वो होता है 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहिर्मंडल, और सबसे निचली होती है क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.3 सेकेंड लगता है चंद्रमा का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। वायु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैसों का मिश्रण होता है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। एक बार बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10^5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। त्वरण की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और मीटर पर सेकंड किसका होता है? तो ये होता है चाल की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 95। एक पार्सेक में कुल कितनी प्रकाश वर्ष होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ताप का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो केल्विन होता है वो ताप का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। और ये जो वाट है ये क्या है, ये पावर का मात्रक है। कैंडेला ये क्या है, ये ज्योति तीव्रता की मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, ध्वनि की पीच का निर्धारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसकी भेदम क्षमता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।